नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। गर्मियों में अक्सर गर्म सर्द हो जाना बहुत आम समस्या है। हम कभी एसी में होते हैं, कभी एसी से बाहर होते हैं, कभी एसी में होते हैं, कभी एसी से बाहर होते हैं, और एसी एसी के बाहर, एसी नॉन एसी, एसी नॉन एसी, एसी 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 की तैसी कर देता है। और हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं ये एसी एसी की तैसी करता है, यानी बहुत अधिक समय एसी में रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और साथ में एसी एंड नॉन एसी का जो कॉम्बिनेशन है वो उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि आपको गर्म सर्द हो जाता है। गर्मियों में गर्म सर्द की समस्या बहुत ही आम है। गर्म सर्द की समस्या से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। विश्वास वो शक्ति है जो अंधेरे में भी प्रकाश ला सकता है, जो उजड़ी हुई दुनिया में भी खुशियां ला सकता है, और अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। विश्वास को टूटने मत दीजिए, स्वयं पर विश्वास करिए, क्योंकि परमात्मा आपके ही भीतर वास करता है। आपको नियमित रूप से करनी है कुछ ऐसी क्रियाओं का अभ्यास जो आपको गर्म सर्द की समस्या से बाहर निकालेगी, और खास तौर पर आप करेंगे विरेचन गति का अभ्यास। कैसे करते हैं विरेचन गति, आइए जानते हैं। विरेचन गति के लिए पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में खड़े होकर के या कुर्सी पर बैठ करके अपनी कमर को सीधा रखते हुए मुट्ठी बना करके हाथों को इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल पर शरीर के साइड में टिका दें। सांस भरते हुए हाथ को उठाना, छोड़ते हुए वापस ले आना। इस प्रकार से आप 100 एक्सलेशंस तक इसको कर सकते हैं। रुक जाना, हाथों को ढीला छोड़ देना, गहरा सांस भरना, सांस छोड़ देना, 3 बार कंप्लीट इनहेलेशन, एक्सहेल। 100 एक्सलेशंस का एक राउंड, आप एक राउंड से आरंभ करके 3 से 4 राउंड्स तक इसको ले जा सकते हैं। अब हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं स्वर, दाएं नॉस्ट्रल को बंद करना और लेफ्ट से एक्सहेल करते जाना। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ले लेना। इस प्रकार से आप 50 एक्सलेशंस का एक राउंड से शुरू करेंगे और बढ़ाते बढ़ाते इसके 4 राउंड्स तक आप इसे ले जा सकते हैं। अंतिम श्वास पूरा छोड़ देना और फिर से गहरा श्वास लेना, सांस छोड़ देना, 3 बार डीप ब्रीदिंग। अगले स्टेप में दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना और दाएं स्वर से सांस छोड़ते जाना। इस प्रकार से 50 एक्सलेशंस का एक राउंड और बढ़ाते बढ़ाते आप पहले एक राउंड से शुरू करें और फिर 4 राउंड्स तक इसे रिपीट कर सकते हैं। अंतिम श्वास पूरा गहरा छोड़ दें और फिर गहरा सांस भरना, सांस छोड़ देना, 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। अंतिम स्टेप में हम दाएं हाथ के अंगूठे और तीसरी उंगली से दोनों स्वर को मैनेज करेंगे। यानी हम दोनों स्वर से एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन का साउंड किसी भी स्वर से नहीं आएगा। इसको भी आप पूरा गहरा सांस अंतिम छोड़ दें और फिर डीप इनहेलेशन, इसको भी आप 50 एक्सहेलेशंस का एक राउंड और बढ़ाते बढ़ाते 4 राउंड्स तक ले जा सकते हैं। गति का नियमित अभ्यास करिए, आप गर्म सर्द की समस्या से दूर रहेंगे, और साथ में हमारे कुछ नुस्खे ज़रूर लेते जाइए। आपको इस मौसम में परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। मट्ठा दिया है, मट्ठे का सेवन कीजिए, जिसको हम बटर मिल्क कहते हैं। मट्ठा इज़ अ नेचुरल कोल्ड ड्रिंक। जो बाज़ार से आप कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं वो सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं और कुछ नहीं करते, इसलिए आपके जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका सेवन करिए। मट्ठा लीजिए, आम आपको इस मौसम में मिल रहे हैं तो आम पने का सेवन कीजिए। आपके घर पे ज़रूर आपकी माँ को या आपकी बहन को, आपकी पत्नी को या आपको खुद आम पना बनाना ज़रूर आता होगा। आम पने का सेवन कीजिए, मट्ठे का सेवन कीजिए, हरी मिर्च का सेवन इस अवधि में ज़रूर कीजिए, पुदीने और धनिए की चटनी का सेवन ज़रूर कीजिए, पानी खूब पीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।
Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.